दोस्तों, इस देश में दाढ़ी रखने पर होती है जेल। डूबते हुए इंसान को बचाना माना जाता है गैर कानूनी। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे दाढ़ी रखना पसंद ना हो, जिसके लिए आजकल लड़के क्या कुछ नहीं करते। पर क्या आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ पर यदि आप दाढ़ी रखते हैं तो आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह चीन है, जहाँ पर एक अजीबोगरीब कानून लागू है। इसके बारे में सुनकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि जिस दाढ़ी को हम फैशन मानते हैं, चीन में बिल्कुल इसके विपरीत है। अगर आपने अपने फैशन के चलते नियमों का उल्लंघन किया तो आपको इसके लिए कड़ी सजा भी दी जाएगी। चीन में एक और अजीबोगरीब नियम लागू है जिससे लोग परेशान हैं। दरअसल हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को पानी में डूबते हुए बचाना मानवता और पुण्य का काम माना जाता है, जिसके लिए कई बार लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन चीन में अगर कोई शख्स डूब रहा है तो आप चाह कर भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सकते। यह पूरी तरह से वहाँ पर गैर कानूनी माना जाता है। अब इन सभी बातों से आपको पता चल गया होगा कि वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। चीन एक ऐसा देश माना जाता है जहाँ पर कई कानून के तहत लोगों पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। जिस तरह हम भारत के लोग इन सभी मामलों में आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, चीन के लोगों को अपनी आज़ादी नहीं मिली है। आपको यह जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि अगर चीन में कोई भी स्टूडेंट नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 7 साल तक की जेल हो जाती है और जुर्माना भी भरना पड़ता है। वहाँ के नागरिकों को सेना से सवाल करने की भी छूट नहीं है। अगर वहाँ के किसी लोग ने सेना से कोई सवाल पूछ दिया या फिर उन पर उंगली उठा दी तो भी उस व्यक्ति को जेल की हवा खानी पड़ेगी। भारत में जिस तरह से लोग खुली तरह से अपनी बातें व्यक्त करते हैं, चीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ के लोगों पर कितनी सारी पाबंदियाँ हैं, जिस वजह से लोग दबाव में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।